नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब लोग नहीं चाहते लॉकडाउन का विस्तार, सुगंधित तंबाकू जब्त, सब्जियों की बिक्री में आई गिरावट। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अब लोग नहीं चाहते लॉकडाउन का विस्तार, कल से 1 जून लग रहा है फिर भी सभी के व्यापार बंद है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या भी जिले में कम होते जा रही है, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इसे देखते हुए जिले के दुकानदारों को लग रहा है कि उनकी भी दुकानें खुल जाए, कारोबार चले और लोगों को रोजगार भी मिले, जिंदगी सामान्य हो। व्यवसाय चाहे कोई भी हो, सभी की चाहत है कि अब लॉकडाउन खत्म हो जाए, सभी को अनुशासन में रहते हुए कारोबार करने की अनुमति मिले। होटल, मॉल, परिधान, रेस्टोरेंट, मोबाइल, हार्डवेयर, टाइल से लेकर जूते, चप्पल, ऑटोमोबाइल, सराफा व फैशन से जुड़े व्यवसाय भी लॉकडाउन से परेशान हो गए हैं। जिम वाले भी चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, सलून वाले तो अब काफी परेशान हो गए हैं, बैंड बाजे वाले भी परिवार कैसे पालना यह सवाल पूछ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर सुगंधित तंबाकू जब्त। स्थानीय कलार समाज भवन के पास आरोपी के घर की तलाशी लेने पर सुगंधित तंबाकू जब्त की गई। स्थानीय कलार समाज भवन के पास वाजपेयी वार्ड निवासी 52 वर्षीय आरोपी के घर की तलाशी लेने पर ईगल हुक का शीशा डोबे को सुगंधित तंबाकू जब्त की गई। जब्त माल की कुल कीमत 64,800 रुपए बताई गई। भंडारा निवासी अन्न व सुरक्षा अधिकारी फिरियादी भास्कर गोपाल नंदनवार की शिकायत पर शहर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत मोरे कर रहे हैं। तो वही तीसरी ओर सब्जियों की बिक्री में आई गिरावट। हर वर्ष अप्रैल और मई माह में शादी तथा अन्य शुभ कार्यों के मुहूर्त रहते हैं। होटलों में भी सब्जियों की अच्छी मांग रहती है, जिससे अप्रैल व मई महीने में किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। लेकिन इस बार संक्रमण के कारण विवाह भी लोगों ने आगे बढ़ा दिए हैं। यदि कुछ विवाह हो भी रहे हैं तो वे सीमित लोगों की उपस्थिति में हो रहे हैं, इस कारण भी सब्जियों की मांग कम है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि सब्जी की बिक्री के लिए समय बहुत कम है, इसलिए सब्जी विक्रेता उतनी सब्जी मंगा रहे हैं जितनी सुबह 11 बजे तक बिक सकती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।